नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, मेन टीचिंग एप्टीट्यूड और चीटिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत आने वाला सब टॉपिक है आपका, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। और इस टॉपिक का ये थर्ड वीडियो लेक्चर है। तो आज की वीडियो में हम जो मेथड्स टीचिंग के उपयोग किए जाते हैं हायर लर्निंग के लिए, उच्च अधिगम के लिए, तो उसका हम डिस्कस कर रहे हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में सेमिनार मेथड यानी कि संगोष्ठी विधि और डिमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि प्रदर्शन विधि, इन दो विधियों पर चर्चा होगा। इसका हम प्रोस एंड कॉन्स, एडवांटेज यानी कि डिसएडवांटेज, ये सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसका उपयोग किस लिए किया जाता है और क्या इसका मेन बेनिफिट है। तो देखिए, सेमिनार मेथड पे अगर डिस्कस करें तो देखिए, सेमिनार मेथड आपको लगेगा सेमिनार मेथड कैसे क्लास में यूज होता है, ये तो ऐसे जगहों पे यूज होता है, ऐसे नेशनल तौर पे आयोजित किया जाता है संस्थाओं में जहाँ पे देश के लोग या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लोग आते हैं और अपने विचार यहाँ पे रखते हैं किसी प्रॉब्लम के परिप्रेक्ष्य में या किसी मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पे हम बता दें कि सेमिनार का अलग अलग टाइप होता है, जैसे कि 4 टाइप के मेन सेमिनार यहाँ पे हम आपको बताएंगे। जैसे एक होता है मिनी सेमिनार, मिनी सेमिनार जो कि क्लास लेवल पे आयोजित किया जाता है, ठीक है। एक होता है आपका मेन सेमिनार, मेन सेमिनार ये होता है आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल पे या डिपार्टमेंट लेवल पे इसका आयोजन कराया जाता है। नेशनल सेमिनार यानी कि नेशनल स्तर पे कराए जाते हैं, और फिर इंटरनेशनल सेमिनार यानी कि इंटरनेशनल लेवल के लिए ये कराए जाते हैं, आयोजित कराए जाते हैं। तो जो मिनी सेमिनार है ना, ये उपयोग होता है आपके क्लासरूम में। तो यहाँ पे टीचर होता है वो सपोर्ट करता है स्टूडेंट को किसी टॉपिक को, किसी समस्या, किसी मुद्दे पे अपने विचार रखने के लिए टीचर सपोर्ट करता है स्टूडेंट का। और यहाँ पे अगर देखें तो टीचर लीड भी करता है एक सेमिनार का आयोजन क्लासरूम में कराने के लिए। और सेमिनार का देखें तो इसमें एक कह लिमिटेशन भी है, 20 से 25 लोग शामिल हो सकते हैं पार्टिसिपेंट, मतलब स्टूडेंट जो होते हैं, लर्नर जो हैं, 20 से 25 ही मैक्सिमम इसमें रख सकते हैं। और यहाँ पे हम बताते हैं कि एक आइडियल सेमिनार 1 से 2 आवर का बेहतर माना जाता है, और एक लोग को अपनी बात रखने के लिए किसी मुद्दे पे 15 मिनट के आसपास समय देना बेहतर माना जाता है, यानी एक लोग 15 मिनट के अंदर अपनी बातों को समाप्त करें, ये बेहतर माना जाता है। तो देखिए, कहा गया है सेमिनार इज अ फॉर्म ऑफ अ क्लास ऑर्गेनाइजेशन दैट यूटिलाइज अ साइंटिफिक अप्रोच फॉर एनालाइज ऑफ अ प्रॉब्लम चूजन फॉर डिस्कशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेमिनार एक वर्ग संगठन यानी कि फॉर्म ऑफ अ क्लास का एक रूप है जो चर्चा के लिए चुनी गई समस्या के विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करता है। देखिए, कहा गया है द सेमिनार मेथड इज द मोस्ट मॉडर्न एंड एडवांस्ड मेथड ऑफ टीचिंग। अ सेमिनार इज एन एडवांस्ड ग्रुप टेक्निक विच इज यूजली यूज इन हायर एजुकेशन। इट इज एन इंस्ट्रक्शनल टेक्निक इन इन्वॉल्व जनरेटिंग अ सिचुएशन फॉर अ ग्रुप टू हैव अ गाइडेड इंस्ट्रक्शन एमंग थीमसेल्व्स ऑन अ थीम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि संगोष्ठी विधि एक शिक्षण का सबसे आधुनिक और उन्नत तरीका है, और सेमिनार एक उन्नत समूह तकनीक है, और आमतौर पर देखा जाए तो उच्च शिक्षा में इसका उपयोग किया जाता है इन हायर एजुकेशन। यह अनुदेशात्मक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है जिसमें एक समूह के लिए एक विषय पर निर्देशित यानी कि गाइडेड जो है आपका बातचीत के लिए एक स्थिति यानी कि सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, उत्पन्न की जाती है, आदि चीज़ें इस सेमिनार में सम्मिलित होती हैं। तो ये हो गया आपका सेमिनार के बारे में कुछ चीज़ें। अब आइए मेन चीज़ देखी जाती हैं, देखा जाए कि सेमिनार में क्या चीज़ें निकल के आती हैं। देखिए, कहा गया है टू प्रोवाइड एट जनरल गाइडेंस फॉर अ ग्रुप वर्किंग ऑन एन एडवांस स्टडी और रिसर्च प्रोजेक्ट। कहा गया है कि एक उन्नत अध्ययन या अनुसंधान परियोजना पर काम करने वाले समूह के लिए सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करना इसके
कार्य के अंतर्गत मुख्यतः आते हैं। कहा गया टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन टेक्निक्स एंड अप्रोचेस बीइंग एक्सप्लोर्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ स्टडी रिसर्च ग्रुप। कहा गया एक अध्यापक या अनुसंधान समूह के सदस्यों द्वारा खोजी जा रही तकनीकों और अप्रोच जो है आपका दृष्टिकोणों पर जानकारी प्रदान करना है। कहा गया टू डेवलप अ न्यू एंड इमेजिनेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स अंडर स्टडी बाय ग्रुप। कहा गया समूह द्वारा अध्ययन के तहत समस्याओं के नए और कल्पनाशील जो है समाधान विकसित करना इस मेथड का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। और देखा जाए तो स्टूडेंट प्ले एक्टिव रोल इन सेमिनार। ओके, स्टूडेंट जो होता है वो पूरा का पूरा एक्टिव रोल अदा करता है सेमिनार मेथड में। तो देखिए ये आपका सेमिनार मेथड एक टीम वर्क को आगे बढ़ाता है। अब देखिए कहा गया यूजेस एडवांटेज की बात कही गई, यूज भी कहा गया है और एडवांटेज की बात कही गई है। तो सबसे पहले कहा गया प्रोवाइड्स मोटिवेशन एंड रिपोर्ट। तो जो सेमिनार मेथड है यह उपयोग प्रेरणा प्रदान करता है और साथ ही साथ रिपोर्ट भी प्रदान करता है। सेकेंड आपका स्टिमुलेट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो कहा गया सक्रिय भागीदारी के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए ये अपनाया जाता है, यानी इसका कि ये एडवांटेज है। अगर देखा जाए तो कहा गया है परमिट्स एडेप्टिव इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपका अनुकूल अनुदेशन दिशा का अनुमति देता है। अब देखिए यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात की जाएगी। यहाँ आपका कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा कट गई हैं, तो डिसएडवांटेज की बात कर लिया जाए तो कहा तो यहाँ पे अब डिसएडवांटेज की बात कर ली जाए। कहा गया है रिक्वायर अ हाईली कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर, यानी कि एक उच्च सक्षम प्रशिक्षक की आवश्यकता बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, नहीं तो ये मेथड नहीं उपयोग में लाया जा सकता है। कहा गया है पोजेस इवेल्युएशन प्रॉब्लम्स, यानी कि मूल्यांकन समस्या की स्थिति जो है इसमें बनी रहती है। साथ ही साथ कहा गया है कि इज़ मोर कॉस्टली देन मोस्ट अदर मेथड्स, यानी अन्य विधियों की तुलना में यह सेमिनार मेथड अधिक महंगा होता है। और देखिए छात्रों को सेमिनार से पहले विषय से संबंधित चीज़ों पर लाइब्रेरी में या अदर जगहों पे जाके वर्क करना पड़ता है, नॉलेज गेन करना पड़ता है, तभी वो समस्या या टॉपिक से संबंधित चीज़ों को प्रस्तुत कर पाएंगे। तो ये जरूरी होता है छात्रों के लिए। तो अब चलते हैं डिमोस्ट्रेशन मेथड पे। डिमोस्ट्रेशन मेथड यानी कि आपका प्रदर्शन विधि। देखिए प्रदर्शन विधि मेनली यही है कि किसी काम को अगर बच्चों को सिखाना है तो हमें उसको प्रेजेंट करना है, कैसे भी करके, चाहे फिगर के थ्रू, चाहे आपका पीपीटी के थ्रू, चाहे आपको पूरा का पूरा टूल्स और टेक्निक्स को साथ में रख के किसी चीज़ को बना के सिखाया जा सकता है छात्रों को। ये आपका डेमोंस्ट्रेशन मेथड होता है। तो देखिए प्रदर्शन विधि में कहा गया है अ मेथड डेमोंस्ट्रेशन इज अ टीचिंग मेथड यूज टू कम्युनिकेट एन आइडिया विद द एड ऑफ विजुअल सच फ्लिप आपका चार्ट्स पोस्टर पावर पॉइंट ईटीसी। डेमोंस्ट्रेशन इज एन प्रोसेस ऑफ टीचिंग समवन हाउ टू मेक और डू समथिंग इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यानी प्रदर्शन विधि एक प्रकार की शिक्षण की पद्धति है आपका, जिसका उपयोग किसी विचार को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपका फ्लिप चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, पावर पॉइंट के द्वारा। ओके, कहा गया है कि जो आपका प्रदर्शन विधि है डिमोस्ट्रेशन मेथड है, किसी को सिखाने का तरीका है कि किसी को कदम कदम पर कैसे किसी कार्य को या किसी वस्तु को बनाया जाए या किसी कार्य को कैसे कैसे पूरा किया जाए।
ये स्टेप बाय स्टेप सिखाने का एक तरीका है, डिमोस्ट्रेशन मेथड। कहा गया है अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन वेयर द इंस्ट्रक्टर बाय एक्चुअली परफॉर्मिंग एंड ऑपरेशन ऑफ डूइंग अ जॉब शो द स्टूडेंट व्हाट टू डू हाउ टू डू इट एंड थ्रू एक्सप्लेनेशन ब्रिंग आउट व्हाई वेयर एंड व्हेन इट इज डन। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनुदेशन का एक तरीका है ये आपका डिमोस्ट्रेशन मेथड, जहाँ शिक्षक या जो प्रशिक्षक है वास्तव में ऑपरेशन करके यानी किसी कार्य को पूरा करके दिखाएगा, ठीक है, या जॉब कहा जा रहा है या जॉब शो या छात्रों के सामने जॉब पूरा का पूरा करेगा, किसी कार्य को सिखाने का पूरा वो तरीका बताएगा अपने करके ऑपरेशन के द्वारा पूरा का पूरा वहाँ पे हर चीज़ करके दिखाएगा। यानी मान लीजिए किसी चीज़ को बनाना है तो उसको बना के दिखाएगा एक टीचर कि कैसे पार्ट को खोलेंगे कैसे जोड़ेंगे, ये सभी चीज़ें वो करेगा प्रैक्टिकली बच्चों के सामने, इसे क्या करना है कैसे करना है, और स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन के माध्यम से पता चलता है कि किसी चीज़ को कब कहाँ कैसे पूरा करना है स्टेप बाय स्टेप, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो देखिए थोड़ा सा हो सकता है कि जो हम बता रहे हैं इस जो यहाँ पे पॉइंट रखा है इसके अनुसार तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा हो, तो देखिए आराम से एक बार में हम आपको बता दे रहे हैं कि डेमोंस्ट्रेशन मेथड ऐसी विधि है जहाँ पे एक शिक्षक या प्रशिक्षक अपने लर्नर्स या जो सीख रहे हैं उनको किसी काम को सिखाने के लिए या तो PPT का यूज कर रहा है या आपका पोस्टर्स का यूज कर रहा है या चार्ट्स का यूज कर रहा है या किसी टूल्स का यूज कर रहा है जो छात्रों को बता सके कि किसी काम को करने के लिए कैसे कैसे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, तो वो प्रेजेंट करके बताता है एक टीचर वहाँ पे। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं डिमोन्स्ट्रेशन मेथड में, कहा गया टू टीच मैनिपुलेटिव ऑपरेशंस ऑफ प्रोसीजर, यानी जोड़ तोड़ संचालन आदि प्रक्रियाओं को पढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टू टीच ट्रबल शूटिंग यानी किसी समस्या का समाधान सिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है डेमोंस्ट्रेशन मेथड का। टू आपका टू इलुस्ट्रेट प्रिंसिपल यानी कि आपका सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टू टीच ऑपरेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट यानी उपकरणों के संचालन या कार्यों को छात्रों को सिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टू टीच टीम वर्क यानी टीम वर्क को सिखाने के लिए किसी काम को करने के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। टू सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क वर्कमैनशिप यानी कारीगरी के मानक तय करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और टू टीच सेफ्टी प्रोसीजर यानी सुरक्षा प्रक्रियाओं को सिखाने के लिए ये उपयोग में लाया जाता है आपका डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब यूजेस एंड एडवांटेज की बात किया जाए तो कहा गया है मिनिमाइज डैमेज एंड वेस्ट यानी नुकसान और बर्बादी को कम करता है, क्योंकि अगर बार बार किसी चीज़ को खुद से छोड़ दिया जाए छात्रों को करने के लिए कि आप अपने आप सीख लें, ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कतें होती हैं, टाइम भी बर्बाद होता है और क्या होता है और चीज़ें भी वेस्ट होती हैं। तो यहाँ पे एक बार में अगर कोई चीज़ आपको बता दिया जाए कि इस तरीके से इसको सिस्टम के तहत यूज करना है लगाना है कहाँ पे क्या करना है, तो छात्र बार बार गलत नहीं करेंगे, जो सही चीज़ें देखेंगे उसी तरह से वो अपनाएंगे किसी काम को करने में, सेव टाइम्स हो गया, समय भी यहाँ पे बचाता है। कैन बी प्रेजेंटेड टू लार्ज ग्रुप यानी बड़े समूह के लिए यह उपयोग में लाया जा सकता है, इस मेथड से किसी चीज़ को सिखाया जा सकता है। इनेबल लर्निंग इवेल्युएशन यानी सीखने के मूल्यांकन में सक्षम करने में यह उपयोग में लाया जाता है। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो देखिए कहा गया रिक्वायर केयरफुल प्रिपरेशन एंड रिहर्सल यानी सावधानी पूर्वक तैयारी और पूर्वाभ्यास की आवश्यकता है, तब ये मेथड अपना सकते हैं, तब आप क्रिया करके ऑपरेशन करके दिखा सकते हैं। रिक्वायर स्पेशल क्लासरूम अरेंजमेंट्स यानी विशेष कक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को प्रदर्शन करना पड़ता है तो विशेष कक्षा व्यवस्था की जरूरत होती है।
रिक्वायर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट यानी उपकरण सामग्री की आवश्यकता होती है ताकि अपने स्टूडेंट को आप करके किसी चीज़ को सिखा सकें। कहा गया है रिक्वायर मोर इंस्ट्रक्टर यानी अधिक प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है, तो यानी एक से अधिक प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है ऐसे मेथड के लिए। तो ये था आपका डेमोंस्ट्रेशन मेथड और सेमिनार मेथड पे डिस्कस हुआ। और देखिए नेक्स्ट वीडियो, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।